आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, निम्नांकित किसके कारण एड्स रोग होने की संभावना होती है। इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है विषाक्त भोजन से, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है दूषित वायु एवं पेयजल से, तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है पागल कुत्ते के काटने से, पागल या संक्रमित, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है अनैतिक यौन संबंध से। तो आइए गाइज, हम देख लेते हैं कि इन चार ऑप्शन में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एड्स की, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो हम आपको बता दें, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्वायर्ड, तो ये हो गया हमारा एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको हम बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये क्या है। ये एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग, जो कि क्या करता है, जो मनुष्य में हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षा शक्ति को कम करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र छीण हो जाता है इसके कारण। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र छीण हो जाता है। अब देख लेते हैं कि ये फैलता किस वजह से है या इसका संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण इसका होता है, संक्रमण होता है जैसे कि इन संक्रमित सुई के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें क्या कि अगर कोई रोगी व्यक्ति के रुधिर आधान के टाइम पर अगर एड्स वाले का रुधिर किसी स्वस्थ मनुष्य को चढ़ा गया तो क्या हो जाएगा, वो भी संक्रमित हो जाएगा रुधिर आधान के द्वारा, कोमा क्या हो जाएगा लास्ट, अनैतिक यौन संबंध। क्या है? असुरक्षित या इसी को हम बोलेंगे अनैतिक यौन संबंध इसके कारण ये क्या होता है, संक्रमण फैलता है। इससे बचने के यही उपाय हैं। अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या, विषाक्त भोजन से। तो देखिएगा विषाक्त भोजन से क्या होता है कि जो विषाक्त भोजन होता है हमारा उससे होती फूड पॉइजनिंग, या इसे हम कहते हैं भोजन विषाक्तता। और ये होती है किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा। दूसरा हमें दिया हुआ है दूषित वायु एवं पेयजल से। तो ये क्या होते हैं, इस तरह के जो रोग होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कॉलरा या इसी को हैजा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हैजा, पेचिस आदि। ये कैसे होते हैं? ये दूषित भोजन एवं जल के कारण होते हैं। और ये विषाक्त भोजन द्वारा जो होती है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, जो कि एक जीवाणु की वजह से होती है। और वो जीवाणु कौन सा होता है? क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है पागल संक्रमित कुत्ते के काटने से। इससे होता है क्या? रेबीज। क्या होता है? रेबीज। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ हमें दिया हुआ है अनैतिक यौन संबंध से। तो गाइज ये जो एड्स रोग है हमारा, या इसे HIV बोलते हैं, ये किससे होता है? अनैतिक यौन संबंध से। फोर्थ ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। यहाँ पर देखिए हमने बताया असुरक्षित यौन संबंध से क्या होता है, फैलता है इसका संक्रमण। तो इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गलत हो जाएंगे, फोर्थ हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।